हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स एंड न्यूज़ के बारे में। तो पहले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है भुवन चौहान की तरफ से। भुवन चौहान कम्पीट करने वाले हैं बॉर्डर स्टेट्स प्रो में, जो कि होने वाला है 26 सितंबर को। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंपेटिटर लिस्ट में भुवन चौहान और स्टीवन काओ के नाम है। स्टीवन काओ एक ओलंपियन एथलीट है, जो कि मल्टीपल टाइम मेंस फिजिक डिवीज़न में कम्पीट किया है मिस्टर ओलंपिया के। तो कंपटीशन टफ होगा भुवन चौहान के लिए। बाकी एथलीट्स का तो मुझे पता नहीं, बट ये शो सिर्फ मेंस फिजिक डिवीज़न के लिए तो बेस्ट एथलीट ही कम्पीट कर रहे होंगे। और भुवन चौहान की रिसेंट पिक की बात की जाए तो उनकी फिजिक में उन्होंने शोल्डर राउंडनेस थोड़ी बढ़ाई है, और जो उनकी बैक की थिकनेस है ट्रैप सेक्शन और लोअर लैट इंसर्शन के सेक्शन में अच्छी दिख रही है, जिस वजह से उनकी फिजिक प्लीजिंग एंड फ्लोइंग दिख रही है। बैक में वी टेपर बहुत अच्छा दिख रहा है, कंडीशनिंग ऑन पॉइंट है। बट देखना होगा कि भुवन चौहान वैंकूवर प्रो 2019 जैसा कमाल दिखा पाते हैं बॉर्डर स्टेट्स पर या नहीं, और क्वालिफाई कर पाते हैं ओलंपिया के लिए या नहीं। बट अगर भुवन चौहान क्वालिफाई नहीं कर पाते, ओवरऑल विनर नहीं बन पाते बॉर्डर स्टेट्स पर, तो उनके पास और दो चांसेस हैं। अक्टूबर 10 को बैटल डेजर्ट है, जिसमें दो डिवीजन कम्पीट करने वाले बिकनी और मेंस फिजिक, और अक्टूबर 17 में शिकागो प्रो है। तो ये दो ही चांस बाकी, शिकागो लास्ट चांस है ओलंपिया क्वालिफायर के लिए। तो देखते हैं भुवन चौहान क्या करते हैं। सेकेंड अपडेट है एडी द बीस हॉल की तरफ से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, एडी हॉल बॉक्सिंग मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। एडी हॉल कहते हैं कि वो स्ट्रेचिंग करने से पहले जॉगिंग और प्लस 2 आवर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, कार्डियो ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। बट ये ट्रेनिंग किस लिए? अगले साल होने वाली बॉक्सिंग मैच के लिए, जो कि सितंबर 2021 लास वेगस में होने वाली है, जिसमें दो फॉर्मर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एडी द बीस्ट हॉल एंड हैफ थॉर द माउंटेन बन जॉनसन फाइट करने वाले हैं। बट यही राइवलरी इन दोनों के बीच कैसे बढ़ी? बहुत लोग कहते हैं कि जब एडी हॉल ने डेडलिफ्टिंग छोड़ दिया था 2017 वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में, वो उनका एब्सोल्यूट बेस्ट था 500 किलोग्राम का डेडलिफ्ट। बट 3 साल बाद हैफ थॉर ने, जिस टाइम लॉकडाउन चल रहा था ये कोरोना की वजह से, उस वक्त ऑनलाइन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा डेडलिफ्ट रिकॉर्ड तोड़ लूँगा, और उन्हें 501 किलोग्राम का डेडलिफ्ट लगाया और रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो हैफ थॉर को लगता है कि एडी इस वजह से गुस्से में है, बट एडी ने कहा कि वो इस वजह से गुस्से में नहीं। जब 2017 में एडी विनर बने थे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के, तो हैफ थॉर आई थिंक सेकेंड या थर्ड प्लेसिंग लाए थे। तब थॉर ने एडी को चीटर कहा था और बोला एडी द बीस्ट थॉर 2017 वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन विनर बनने के लायक नहीं, डिजर्व नहीं करते। बट दोनों ही एक्सट्रीम फोकस एंड मोटिवेशन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं इस मैच के लिए, अपनी वेट लॉस जर्नी पर है। क्योंकि एडी एंड हैफ थॉर स्ट्रॉन्ग मैन है, तो उनका वेट एक्चुअली ज़्यादा होगा, मीन्स 400 पाउंड्स के ऊपर ही है दोनों, इसलिए इन्हें बॉडी वेट कम करना होगा, इस वजह से वेट लॉस कर रहे हैं। बट अभी रिसेंट अपडेट्स के बारे में बताते हैं। थॉर का करंट वेट है अभी 173 किलोग्राम, जैसे 380 या 390, जिसमें से उन्होंने 36 किलोग्राम और कम कर दिया है ऐसा कह रहे हैं थॉर। और एडी का करंट वेट है 163 किलोग्राम, बट अभी वो रिप दिख रहे हैं, एब्स दिख रहे हैं विजिबल, बट मुझे लगता है उनकी बैक एरिया में जो वो बैक दिखाते हैं तो अभी भी वो ज़्यादा फैटी लगती, तो उन्हें वेट लॉस और करना होगा। बट जब भी ये फाइट होगी, इसे कहा जाएगा वर्ल्ड हैवीएस्ट बॉक्सिंग मैच इन हिस्ट्री। देखना होगा कि कैसा होगा ये मैच। तो थर्ड अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सेड्रिक मैकमिलन की तरफ से। सेड्रिक मैकमिलन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी, जिसमें सेड्रिक बहुत ही ज़्यादा बल्कि दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका ऑफ सीज़न चल रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि ये रीसेंट है। बट उन्होंने अभी इंस्टाग्राम पर एक रीसेंट वीडियो डाली अपने बेटे के साथ, जिसमें उन्होंने उनके बेटे ने ये वीडियो शूट किया है, और उसमें वो कंडीशन भी लग रहे हैं, बिग और यूज भी लग रहे हैं। सेड्रिक की फिजिक एक क्लासिक लुक के साथ ओपन बॉडी बिल्डर के साइज़ की जैसी है। सेड्रिक हर बार आर्नोल्ड क्लासिक में वेल कंडीशन एंड प्रपोर्शन लाते हैं, बट जब मिस्टर ओलंपिया की बात आ जाती है कम्पीट करने के टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा नर्वस और स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग की वजह से वो कंडीशनिंग कभी ओलंपिया स्टेज पर प्रेजेंट नहीं कर पाते। बट कुछ फैंस कहते हैं कि सेड्रिक की प्लेसिंग 2019 मिस्टर ओलंपिया में थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी, बट मैं कहता हूँ सेड्रिक की प्लेसिंग इम्प्रूव हुई है। जब वो 2013 मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट कर रहे थे, उस टाइम उनकी प्लेसिंग आई थी 12th। 2014 एंड 2015 में
मिस्टर ओलंपिया में उन्होंने कम्पीट नहीं किया। 2016 मिस्टर ओलंपिया में उनकी प्लेसिंग 7th आई थी, जिस वक्त एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी कि 2016 ऑनर क्लासिक काय को जीतना चाहिए या सेड्रिक को, बट उनकी प्लेसिंग ओलंपिया में बेहतर थी एंड 2017 ऑनर क्लासिक में वो ओवरऑल विनर बने। और मिस्टर ओलंपिया में उस वक्त 2017 मिस्टर ओलंपिया में उनकी प्लेसिंग 10th आई, कम हो गई उनकी प्लेसिंग। और 2018 में उनकी प्लेसिंग 9th आई और 2019 मिस्टर ओलंपिया में 7th प्लेस लाए। तो बताइए इम्प्रूव हुई या प्लेसिंग नहीं, इम्प्रूव हुई है। देखते हैं इस साल सेड्रिक क्या पैकेज लाते हैं और ओलंपिया में अपनी प्लेसिंग टॉप 5 या टॉप 3 में सेट करते हैं या मिस्टर ओलंपिया विनर बनकर दिखाते हैं। फोर्थ न्यूज़ आ रही है सर्जी कॉन्स्टेंट की तरफ से कि सर्जी कॉन्स्टेंट यूरोपियन प्रो में कम्पीट करने वाले हैं, बट मेंस फिजिक में या क्लासिक फिजिक में, क्योंकि सर्जी कॉन्स्टेंट ने 2017 में अपना लास्ट मेंस फिजिक शो खेला था, उसमें कम्पीट किया था जो कि ओलंपिया में था। उसके बाद सर्जी कॉन्स्टेंट ने कहा कि वो अब मेंस फिजिक डिवीज़न में कम्पीट नहीं करेंगे और स्विच करेंगे क्लासिक फिजिक में। बट 2017 से लेकर 2020 तक सर्जी ने कुछ भी नहीं कहा या उनका नेक्स्ट शो क्या होगा या कोई भी अपडेट नहीं दिया कि कौन सा शो खेलने वाले हैं। बट अभी कंफर्म हुआ है इसी मंथ में कि वो यूरोपियन प्रो में कम्पीट करेंगे, बट ये क्लियर नहीं है कि वो मेंस फिजिक में कम्पीट करने वाले हैं क्लासिक फिजिक में कम्पीट करने वाले। बट सर्जी ने ये भी कहा था कि अगर वो क्लासिक फिजिक में कम्पीट करेंगे, क्योंकि उनका फ्रेम बहुत बड़ा है, तो उन्हें मास और डेंस मसल ऐड करना होगा और वो कंडीशनिंग लानी होगी, जिसके लिए उन्हें टाइम चाहिए और वो टाइम पूरा हो चुका है और सर्जी हमें फिर से एक बार स्टेज पर देखेंगे। फोर्थ न्यूज़ एक अपडेट है इयान वैलेरी की तरफ से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पिक में उनके आर्म्स बहुत ही ज़्यादा यूज दिख रहे हैं, कंडीशन दिख रहे हैं, हर जगह से वेन पॉप हो रहे हैं, बट इस बार उन्हें ओलंपिया में प्लेसिंग अच्छी लानी होगी, क्योंकि न्यूयॉर्क प्रो तो कैसे भी कर जीत गए, बट ओलंपिया में असली सच पता चलेगा कि ईएन कितने केपेबल है ओलंपिया स्टेज के लिए। और शिकागो प्रीव्यू के बारे में बात करते हैं, शिकागो प्रो के सारे कंपेटिटर्स के अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। अकिम विलियम इस टाइम बहुत ज़्यादा कंडीशन दिख रहे हैं रीसेंट पिक्स में, बट स्टेज पर लाइटिंग में अकिम कैसे दिखेंगे वो इम्पोर्टेंट है। बट अकिम के साथ एक प्रॉब्लम है, जो उनकी फेशिया का लेयर है जो मसल के ऊपर होती है फैट की लेयर, वो बहुत ज़्यादा थिक है, इस वजह से जो कभी भी अकिम विलियम स्टेज पर कंडीशन नहीं लगेगा आपको। बट उनके पास वो साइज़ है बट कंडीशन है, देखते हैं कि इस बार अकिम विलियम शिकागो प्रो में क्या लाते हैं और ओलंपिया स्टेज पर कैसे दिखेंगे। सेकेंड अपडेट है निक वॉकर की तरफ से। निक वॉकर जो कि सितंबर में NPC नॉर्थ अमेरिकन जीतकर IIBB प्रो कार्ड उन्होंने हासिल किया था, बट उन्होंने रिस्क लेकर एक अनाउंसमेंट किया है कि वो शिकागो प्रो इस साल ही कम्पीट करेंगे और ओलंपिया स्टेज पर जाएंगे। देखते हैं कि क्या होगा निक वॉकर का फ्यूचर, क्योंकि इनका मिड सेक्शन नॉर्थ अमेरिकन में इतना ज़्यादा रिप था, बट जब वो पोज हिट करते थे तो पूरा वॉश आउट दिखता था उनका मिड सेक्शन, तो उन्हें मिड सेक्शन तो रिप रखना होगा। और क्या पैकेज लाते हैं देखते हैं निक वॉकर। और थर्ड अपडेट है जस्टिन रॉड्रिगस की तरफ से। जस्टिन रॉड्रिगस भी कम्पीट करने वाले हैं शिकागो प्रो में, लास्ट टाइम इन्होंने कम्पीट किया था इसी मंथ में न्यूयॉर्क प्रो में, जिनमें उनकी प्लेसिंग 2nd आई थी, वेल कंडीशन थे, बट इन्हें फर्स्ट भी आ सकते थे, एन वैलेरी को कैसे जीता दिया वो जजेस के ऊपर है। बट जस्टिन अपने रिसेंट वीक में उन्होंने लिखा है कि आई डोंट नो वेयर योर वेज टेक यू, बट माइन इज स्ट्रेट टू विक्ट्री, माय वे माय टाइम। तो उन्होंने तो झंडे गाड़ दिए, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वो जीतेंगे ही ये शो। और फोर्थ अपडेट है जॉश वेड की तरफ से। जॉश वेड अपना रिटर्न कर रहे हैं ओलंपिया स्टेज के लिए, बट उन्हें क्वालिफाई करना है शिकागो प्रो जीतकर। फिजिक तो परफेक्ट है, प्लस वो वैक्यूम भी हिट करें तो बाकी ओपन डिवीजन के कंपेटिटर्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा कंपटीशन। और फिफ्थ अपडेट है कियोन पियर्सन की फिजिक अपडेट। कियोन बहुत ज़्यादा यूज दिख रहे हैं, बट उन्होंने लाइंस एंड प्रोपोर्शन लूज नहीं किए, वो भी स्विच कर रहे हैं अपने फेलो कंपेटिटर्स की तरह, जैसे जॉर्ज पीटरसन ने क्लासिक फिजिक को छोड़कर 212 डिवीजन में स्विच किया था और टैंपा प्रो जीत गया और इस साल ओलंपिया में कम्पीट करने वाले। बट कियोन अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस वजह से वो शिकागो प्रो में कम्पीट करेंगे। और उन्होंने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल भी गेन किया है, उन्होंने कहा कि 20 पाउंड्स ऑफ मसल उन्होंने गेन किया है इस प्रेप के दौरान। तो देखते हैं 212 डिवीजन में वो कैसे दिखेंगे शिकागो प्रो में। फिफ्थ अपडेट है टेरेसा इवांस की तरफ से, जो कि विंग्स ऑफ स्ट्रेंथ की ब्रांड एम्बेसडर है और विंग्स ऑफ स्ट्रेंथ ही प्रमोटर है शिकागो प्रो के। टेरेसा इवांसिक एक एथलीट भी है जो कि वुमेंस वर्ल्ड बिल्डिंग में कम्पीट करती है। टेरेसा इवांसिक ने कंफर्म कर दिया कि वो शिकागो प्रो में कम्पीट करने वाली है, क्योंकि उन्होंने प्रेप तो बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। बट क्यों शुरू की थी, क्योंकि 6 साल बाद मिस ओलंपिया कॉम्पिटिशन
मतलब वुमेंस ओपन डिवीजन को वापस लाया गया है ओलंपिया स्टेज पर, मीन्स वुमेंस बॉडी बिल्डिंग को। बट टेरेसा कम्पीट करने वाली है इस वजह से शिकागो प्रो में कि वो क्वालिफाई कर पाए मिस ओलंपिया कंपटीशन के लिए। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों अगले बॉडी बिल्डिंग अपडेट या न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।